मैं रिसर्च एसोसिएट हूँ DRDO में, रिसर्चर हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टरेट हूँ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पीजी का आप सिर्फ जानना चाहूँगा, आपने DRDO में इतने आपकी जर्नी कैसी रही, आप यहाँ तक कैसे? तो देख सकते हैं हम अब इस रूम के अंदर आ चुके हैं, यहाँ रूम पर मैंने परमिशन ले ली है, यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं दिखा देते हैं। रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लग्जरी है और देखिए इसमें टाइल्स वगैरह सब अच्छी लगी हुई है, नीचे से ऊपर तक काफ़ी डेकोरेटेड है। विंडो है, उस साइड विंडो है, विंडो भी आप जो है खोल सकते हैं, साथ ही इस साइड भी आपका जो है मेन फ्रंट का एरिया है, आपको अलमीरा दी गई है, बॉक्स वाले बेड दिए गए हैं और यहाँ पर वाईफाई की फुल फैसिलिटी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई उसके बारे में, स्टूडेंट जो यहाँ रह रहे हैं उनसे बात। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टूडेंट रह रहे हैं उनसे बात करते हैं, क्या नाम है, कब से रह रहे हैं और इसमें पीजी में क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है और यहाँ के पीजी ऑनर कैसे हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, इन सब बातों पे हम बात करेंगे और फूड फैसिलिटी क्या है जानेंगे, वो कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है इस चैनल पे, इन्फो वाला चैनल पे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीतू बंसल है। नीतू जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और किस चीज़ की स्टडी भी कर रहे हैं या जॉब पे हैं, कैसे हैं? मैं रिसर्च एसोसिएट हूँ DRDO में, रिसर्चर हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टरेट हूँ फिजिक्स में। रिसर्चर हैं एक प्रकार से, साइंटिस्ट हैं एक प्रकार से आप कह सकते हैं जी। तो आप और क्या करते हैं यहाँ पे? कुछ आपकी बुक्स मैं देख रहा था, ये मैथ्स की बुक रखी हुई है राकेश यादव सर की, मुझे लगा कि आप शायद तैयारी भी कर रहे हैं। जी वो एक्चुअली कुछ भी एग्ज़ाम होता है साइंटिस्ट की पोजीशंस के लिए भी, तो उसके लिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैं उसके लिए ही प्रिपेयर कर रही थी। तो अब थोड़ा बताइए कि इस पीजी के बारे में आपको कहाँ से नॉलेज मिला, साथ ही इसका प्राइस क्या है? मैं यहाँ डबल सीटर रूम में रहती हूँ, इसका 9000 रेट है विदाउट फूड। विदाउट फूड आप टू सीटर में 9000 में रह रहे हैं। अच्छा, फूडिंग के लिए क्या करते हैं आप? फूडिंग के लिए मैं खुद कुक करती हूँ। यहीं आप कुक कर लेते हैं? जी, यहाँ किचन की फैसिलिटी है, तो मैं किचन में अपने अपना यूटेंसिल्स, अपना सामान अपना ले आती हूँ, अपनी ज़रूरत और अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ कुक कर सकते हैं। यहाँ पे LPG की फैसिलिटी है, गैस स्टोव है, फिल्टर भी लगा हुआ है, वाटर फिल्टर है, RO, रेफ्रिजरेटर भी है, तो उस लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो कुकिंग में हम आराम से कर सकते हैं, अपना सामान स्टोर भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और PG की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी आपको दी गई है, यहाँ वाईफाई वगैरह? जी वाईफाई हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम रिसर्च भी करते हैं तो इंटरनेट यूज़ करना पड़ता है, तो वाईफाई की फैसिलिटी यहाँ पे है। और उसके अलावा क्लोदिंग है, वॉशिंग हम कर सकते हैं, फुली सेमी ऑटोमेटिक मशीन है लेकिन उसमें हम पूरा वाटर सप्लाई प्रॉपर है तो हम फुली की तरह ही उसको यूज़ करते हैं। गीज़र है सर्दियों के लिए और विंटर्स समर्स के लिए रूम में AC भी अवेलेबल है। AC वाला रूम है आपका? जी यहाँ पे AC अवेलेबल है। 9000 में AC मिल रही है इस लोकेशन में, काफ़ी अच्छा है। लोकेशन क्या लग रहा है आपको, कौन सा लोकेशन है आप यहाँ पे, मेट्रो स्टेशन कौन सा है? यहाँ पे नियरेस्ट Gate 4 है GTB का, तो इट इज़ वेरी नियरेस्ट टू द मेट्रो स्टेशन, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है आपको कहीं भी दिल्ली में या कहीं पे भी आपको जाना है गुड़गांव दिल्ली, तो येलो लाइन का स्टेशन है तो मोस्टली पूरी दिल्ली से कनेक्ट होती है, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर एनी प्लेस। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ पर आप रह रहे हैं तो आप रेंट 9000 पे कर रहे हैं, इतने बड़े रूम का, टू सीटर का, एक सीट का आप 9000 दे रहे हैं। रूम आपने और भी देखे होंगे, काफ़ी बजट के हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस बजट में आपको सही रूम मिला है या इससे भी कम बजट के यहाँ पे इतने अच्छे रूम हैं? मैंने देखा है कम बजट में भी रूम तो मिल जाते हैं लेकिन वहाँ पे क्लीनिनेस इतनी नहीं होती है, तो क्लीनिनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये PG काफ़ी अच्छा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो मैडम हैं मतलब PG लेडीज़ चला रही हैं, तो काफ़ी सपोर्ट होगा आपको, मॉरल सपोर्ट काफ़ी मिलता होगा क्योंकि एक लेडीज़ PG चला रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। हाँ बिल्कुल, ये बीइंग मायसेल्फ बीइंग अ वुमेन आल्सो आई रियली अप्रिशिएट दैट कि शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड वर्क, और वो यहाँ पे बहुत ध्यान भी रखते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को भी, कोई भी हम प्रॉब्लम उनको बताते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स का बहुत जल्दी सॉल्यूशन। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने खुद ही बता दिया कि यहाँ पे बिहेवियर, ऑनर का बिहेवियर कैसा है? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो एक अच्छी किसी भी चीज़ को चलाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स तो होने ज़रूरी हैं, तो शी फॉलोज द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे बता दो, वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट विद इन वन डे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो
देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे साथ एक साइंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, जो आप समझना चाहते हैं। पर DRDO जैसी एक बहुत बड़ी नामी संस्था, जो भारत की सबसे बड़ी डिफेंस की सबसे बड़ी अच्छी संस्था है, वहाँ पर ये जॉब कर रहे हैं, एक प्रकार से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इनको देख करके आप भी इंस्पायर हो सकते हैं। साथ ही आपसे जानना चाहूँगा, आपने DRDO में इतने आपकी जर्नी कैसी रही, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्योंकि वो लोग सोचेंगे DRDO है क्या, आप DRDO में हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, काफ़ी इंजीनियर बैकग्राउंड के तो काफ़ी लोग जानते हैं, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक अलग सोच चाहिए इंसान को। दुनिया से हट के वो सोच होती है और लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं जब कोई समझते हैं कि DRDO में, क्योंकि अभी देखे थे हमने कि एक साइंटिस्ट थे जिनको मोदी जी, वो रो रहे थे तो मोदी जी ने उनको गले लगाया था। तो आप अपने को उस जगह पे कैसे पाते हैं? देखिए, वहाँ तक पहुँचना तो बहुत ही सौभाग्य की बात होगी किसी भी इंसान के लिए, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की जर्नी इतनी आसान नहीं है। ऑब्वियसली बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं और बहुत बड़ा जीवन का संघर्ष भी उसके पीछे छुपा हुआ है। यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मैं अपने ऊपर ईश्वर की और अपने परिवार की कृपा मानती हूँ कि उन्होंने मेरा हर मौके पे, हर पोजीशन पे मेरा सपोर्ट किया है। मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, मैं उनको छोड़ के यहाँ आई हूँ, यहाँ PG में रहती हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ बहुत ही होमली इन्वायरमेंट भी मिलता है, तो उनकी सपोर्ट और यहाँ पर भी प्यार की वजह से मैं यहाँ पर ईजिली रह पा रही हूँ। DRDO के बारे में एक मिनट में आप कुछ बताइए कि लोग जो ना जानते हों DRDO क्या है, आप उन्हें बताइए। जी, DRDO में बेसिकली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलरली डिफेंस के लिए रिसर्च, मेनली हमारे पास हम कंपोनेंट्स के ऊपर काम करते हैं, हाई पावर ट्रांजिस्टर्स की बनाए जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने PG के बारे में बताया, साथ ही इसरो और DRDO के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी। इसरो में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, ये कनेक्ट है DRDO से, किस प्रकार से कनेक्ट है? ये एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, DRDO एक अलग संस्था है और इसरो अलग संस्था है, दोनों के जो काम है वो अलग अलग हैं। लेकिन वो कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं डिफेंस के ही, उसमें तो सब कुछ ही, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी ही हुई है। जब हम एक ही राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं तो सब मिलजुल के काम करते हैं। आपका यहाँ पर इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी अच्छी बात है कि आपने कुछ जानकारियाँ लोगों तक प्रोवाइड की कि लोग यहाँ पर कैसे रह सकते हैं अगर वो DRDO में तैयारी जॉब के लिए या किसी भी पर्पज़ से आते हैं, तो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है तो पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ रह रहे हो वो अच्छा लगा देखकर भी, और लोगों को यही जानकारी हो। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट फ्यूचर जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच।